सो फाइनली दोस्तों ये क्या न्यूज सुन रहा हूं मैं, बाप मूवी पर बहुत बड़ी मुसीबत, बाप मूवी पर ब्रेकिंग न्यूज गाइस, बाप मूवी पे फिर से एक बार डिले, बाप मूवी एक बार फिर से 2024 में शायद नहीं होगी रिलीज, 2025 की डेट आ रही है सुनने में। भाई ये क्या कर रहे हैं अहमद खान दोस्तों, इतने बड़े बड़े सरप्राइजेस दे रहे हैं। एंड बाप मूवी को लेकर भी बहुत बड़ा दोस्तों संकट तो आया है, वो क्या आया है बताऊंगा, लेकिन दोस्तों इसके टीजर ट्रेलर को लेकर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड फैंस लोग, वो भी अपडेट आई है मेरे पास दोस्तों, वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, लाइक कमेंट करना, भाई अभी चौधरी प्यार करो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच दोस्तों इस तरह प्यार देने के लिए, आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है दोस्तों। अभी एक दो दिन मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा, उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि घर में कुछ फंक्शंस हैं, नाइट का फंक्शन, जिसकी वजह से आपको दिन में वीडियो मिल जाएगी, बट रात में थोड़ा सा फंक्शन की वजह से मैं थोड़ा सा एक दो दिन बिजी रहूंगा, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आपका प्यार भरपूर रहेगा वो मुझे पूरा भरोसा है। एंड उसके बाद दो तीन दिन बाद जब लाइव आएंगे धमाल मचा देंगे। वेल दोस्तों बाप मूवी पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गया, अहमद खान को बाप मूवी की शूटिंग को रोकना पड़ा, ऐसी क्या वजह है दोस्तों। आपको बता दूं कि बाप मूवी जो है बेसिकली पिछले एक हफ्ते से उसके रीशूट जितने भी सीन्स खराब शूट हुए थे जो कि एडिटिंग टेबल पर पता चल पा रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडिटिंग नाउ दोस्तों, बाप मूवी के सीन्स को दोबारा रीशूट किया गया। एंड आपको बता दूं कि फाइनली अब बाप मूवी पे एक बार फिर से संकट टूट पड़ा है, वो संकट क्या है दोस्तों, अहमद खान ने दोस्तों बाप मूवी के जितने भी शूटिंग स्केड्यूल थे उसको होल्ड कर रखा है, क्योंकि दोस्तों उनकी फिल्म आ रही है जिसमें वो डायरेक्टर है एंड फिरोज नाडेडवाला की फिल्म वेलकम थ्री, बोले तो वेलकम टू जंगल, जिसमें 36-38 एक्टर है, यू कह लो पूरा बॉलीवुड इस फिल्म के अंदर। लेकिन दोस्तों पूरे चांसेस हैं अक्षय कुमार की फिल्म फ्लॉप होगी, पता है क्यों, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा ये फिल्म है किसकी, बहुत सारे विवादों में घिरी है वेलकम थ्री। एंड पहला पार्ट बहुत अच्छा था, दूसरा पार्ट भी चलो अच्छा था, लेकिन दोस्तों तीसरा पार्ट ना अब खिचड़ी बन गई है, जो हर सर्कस का हुआ शायद वेलकम थ्री का भी हो सकता है। लेकिन अहमद खान दोस्तों आपको बता दूं कि बाप मूवी की शूटिंग रोकने का रीजन पता है क्या था, क्योंकि वेलकम थ्री में वो अभी साथ साथ इसको भी शूट कर रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है मानसून की वजह से हैवी रेन हो गया, बारिश की वजह से दोस्तों जितना भी सेटअप बना रखा था इन्होंने, जो कि अगस्त के फर्स्ट वीक में कुछ सॉन्ग को शूट करना था, इसके अलावा ग्रैंड सेटअप बना रखा था दोस्तों, ठीक है, वो सारा का सारा सेटअप खराब हो गया बारिश के चक्कर में, एंड जिसकी वजह से दोस्तों वेलकम थ्री की शूटिंग को होल्ड करना पड़ा। आपको बता दो जितने भी वहाँ पर क्रू मेंबर्स काम कर रहे हैं, जितने भी वहाँ पे टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, उनको एक बार फिर से सारा सेट दोबारा बनाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लगभग एक दो हफ्ता जाएगा। अब नाउ दोस्तों देखो यहाँ पर वेलकम थ्री का तो मामला खराब हो गया, क्योंकि अहमद खान खुद भी परेशान है, ट्रबल में है, क्योंकि लॉस काफ़ी हो गया। उसके बाद दोस्तों अभी जहाँ पर बाप मूवी की शूटिंग स्मूथली चल रही थी एंड बाप मूवी की तैयारी में बिजी थे, अब उनका ध्यान फिर भटक गया है वेलकम थ्री की तरफ। अब नाउ दोस्तों अहमद खान ने बाप को छोड़ के वेलकम थ्री पर ध्यान दे दिया। सो दोस्तों जहाँ पर 15 अगस्त को उम्मीद किए जा रहे थे कि टीजर आ सकता है, वेल उम्मीद तो पूरी है कि बाप मूवी का टीजर आना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से एक दो हफ्ते वो बिजी हो जाएंगे वेलकम थ्री के लिए, बाप मूवी का टीजर और जो ग्लिम्स आना था शायद दोस्तों 15 अगस्त को नहीं आएगा, 19 अक्टूबर के चांस लग रहे हैं, क्योंकि दो हफ्ता बेकार हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि आज 7 तारीख है और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 15 अगस्त तक उम्मीद कर रहे हैं सन्नी पाजी की बाप मूवी का टीजर ट्रेलर तो कुछ तो आए, लेकिन अहमद खान ने क्या यार फिर से धोखा दे दिया, अहमद खान फिर से बिजी होकर वेलकम थ्री में और बाप को छोड़ दिया, बाप फिर से लटक ना जाए। और बाप मूवी का दोस्तों हम तो ट्रेलर भी उम्मीद कर रहे थे कि 19 अक्टूबर को आएगा, और उम्मीद थी कि यार जिस हिसाब से काम चल रहा है, एडिटिंग चल रहा है दबा के, जिस हिसाब से चीज़ें स्मूथली चल रही है, वेल दोस्तों दिसंबर के एंड में बाप मूवी आनी ही चाहिए, लेकिन अब हालात थोड़े से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों बता दो कि 2025 में ही बाप मूवी का सुनने में आ रहा है कि रिलीज डेट की एक नई रिलीज डेट आएगी, 2024 में नहीं रिलीज करना चाह रहे वो। जी दोस्तों अहमद खान का बहुत बड़ा खुलासा है, इनफैक्ट ये बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में भी मैंशन है दोस्तों, ठीक है, लेकिन मैं शॉक्ड हूँ यार कि ये क्या हो रहा है यार दोस्तों। बाप मूवी के अंदर हम सबको पता है अभी तक कई फुटेज लीक हुई, सोशल मीडिया पे बाप मूवी ने आग लगा दिया, छपरियों की क्या बताऊँ यार हालत खस्ता हो गई भाई, छपरी लोग दोस्तों जहाँ पर अभी और घबराएंगे, क्योंकि बाप मूवी के अलावा भी बॉर्डर 2 की नई अनाउंसमेंट आ रही है, जो मैं कल आपको दिया नहीं बट ठीक है वो भी दूंगा, बॉर्डर 2 हो गया, बाप हो गया दोस्तों, उसके अलावा गदर 3, तमाम बड़ी बड़ी फिल्मों के अनाउंसमेंट 11 से लेकर 15 अगस्त के बीच होने वाली है। और इतने सेंसिटिव टाइम में अहमद खान को यार इतना बड़ा नुकसान वेलकम 3 के जरिए हो रहा है दोस्तों, बाप मूवी पे उनको कुछ करना चाहिए, बाप मूवी को डिले अब ज़्यादा हम कर नहीं सकते, बाप मूवी डिले होने का मतलब है लॉस दोस्तों, जो हाल मैदान का हुआ, जो हाल तमाम फिल्मों का हुआ, जो कि काफ़ी टाइम से बन चुकी है प्री कोविड से पहले, और फिर वो फिल्मों को बार बार पोस्टपोन करना भी सही नहीं है। तो गाइस बाप मूवी पर आप क्या कहना चाहते हो,
देखो दोस्तों, बाप मूवी के कई क्लिप्स मैंने बताए, अभी भी कुछ क्लिप्स मेरे पास है सोशल मीडिया पे जो कि काफ़ी अलग है, उनका रिव्यू मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बट अभी तक आपको बता दूं कि अभी मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त का जो मैंने एक लास्ट सीन बताया था, संजय दत्त जो है सन्नी देओल को बचाने के लिए जेल में जाते हैं, लेकिन सन्नी देओल जेल से गायब हो चुके होते हैं। उसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती का भी एक्शन सीन्स वायरल हो रहा है, उसके बारे में भी मैं वीडियो जल्दी डालूंगा क्योंकि अब एक्शन सीन्स भर भर के दोस्तों। यार बाप मूवी के अंदर देखो, पहली चीज़ मैंने कन्फर्म की थी कि OTT पे फिल्म नहीं आएगी, बाप आएगी तो थिएटर पर ही आएगी दोस्तों। लेकिन ये क्या दोस्तों, अब टीजर भी 15 अगस्त को नहीं आ सकता है, बाप मूवी का टीजर नहीं आएगा 15 अगस्त को, जो उम्मीद अब लग रही है क्योंकि यार पंगा पड़ गया। सो गाइस देखो, बाप मूवी के अभी कई दो तीन सॉन्ग्स भी है जो मैंने बताया था, वो मेरे पिया घर आया, तमाम बड़ी बड़ी चीज़ें यार। सो गाइस क्या लगता है, क्या वाकई में सन्नी पाजी की बाप मूवी का टीजर 15 अगस्त को आना चाहिए? हालांकि अहमद खान जब हमारे लाइव सेशन में आते हैं दोस्तों, तो उन्होंने कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं। अहमद खान खुद बोलते हैं कि फिल्म OTT पे नहीं आएगी। अहमद खान भी बोलते हैं कि ये जो फिल्म है इसका टीजर 15 अगस्त को शायद आ सकता है, उन्होंने खुद बोला हुआ है। एंड एक बहुत बड़ा धमाका होगा जो उन्होंने बोल रखा है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पर कुछ आएगा, तो हम उम्मीद तो यही करने कुछ आएगा। लेकिन अब अहमद खान अब वेलकम 3 में बिजी हो गए भाई, तो यही सारी चीज़ें हो रही है दोस्तों। कुछ ना कुछ मुसीबतें आ रही है सनी देओल के साथ इन फिल्मों को लेकर, बाप मूवी को लेकर। बट आई होप कि यार 15 अगस्त पे खाली सूखापन ना आ जाए, 15 अगस्त पे कुछ तो ऐसा बड़ा बवाल आना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई पाजी की कोई भी अपडेट ना आए। पाजी की इतनी सारी फिल्में आ रही है, जाट, बॉर्डर 2, गदर 3 एंड और भी नई फिल्में आ रही है। ऐसे में दोस्तों कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट होनी ही चाहिए 15 अगस्त को जोरों शोरों से, ताकि 15 अगस्त का दिन खाली ना जाए, सूखा ना जाए दोस्तों। क्योंकि पिछली बार बर्थडे के दिन भी सन्नी पाजी ने कुछ अनाउंस नहीं किया था, जो कि फैंस लोग काफ़ी नाराज थे। सो गाइज बाप मूवी वी आर सो एक्साइटेड कि जल्दी ही बड़ा कुछ देखने को मिले, एंड पक्का आएगा भाई, पक्का आएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए। क्या लगता है बाप मूवी का टीजर के लिए, आर यू रियली एक्साइटेड? टीजर 15 अगस्त को आना चाहिए। क्या बाप मूवी 100 करोड़ की ओपनिंग ले पाएगी? क्या लगता है दोस्तों, अहमद खान को और थोड़ा फोकस करना चाहिए? कमेंट करके बताओ दोस्तों। एंड गाइज प्यार देते रहो बराबर, और जल्दी ही मिलते हैं लाइव आपसे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद दोस्तों। हाँ, जो जितने भी ये लोग, जितने भाई ये लोग छपरी लोग है ना, जो हेड कर रहे हैं और किसी भी तरीके से वो नहीं चाहते कि 15 अगस्त को जो है सन्नी पाजी की अनाउंसमेंट आए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, छपरी गैंग, छपरियंस क्या पूरी कोशिश ला के बैठी है कि सन्नी पाजी की कोई भी फिल्म जो है, कोई भी फिल्म की अनाउंसमेंट ना हो, जबकि बॉर्डर 2 की अनाउंसमेंट होने जा रही है बहुत बड़े ग्रैंड इवेंट में। आपने न्यूज़ सुन ली होगी, अगर नहीं सुनी होगी तो मैं उस पर बना दूंगा बॉर्डर 2 की अपडेट। कितने लोग चाहते हैं कमेंट करके बताना भाई, बहुत सारी अपडेट लेके आओ, तो देर किस बात की दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ऐसे ही प्यार देते रहो अपने भाई रवि चौधरी को। थैंक यू गाइज, थैंक यू, लव यू, बाय, टेक केयर, और जल्दी आपसे मिलूंगा। प्यार बना कर रखे, थैंक यू।